गाइस वेलकम बैक, क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई इस वाले एपिसोड में हम लोग अमेजिंग चीज करने वाले। आपने टाइटल पढ़ी लिया चाइल्डहुड मेमोरीज, ये भाई एक अलग तरीके की सीरीज है। मतलब कि इसमें पुराने गेम्स मैं खेलने वाला हूँ, ये नहीं कि वो मैं पूरे गेम कंटिन्यू करूंगा एंड पूरे खेलेंगे, नहीं, एक तरीके से मेमोरीज वाले गेम जो हमारे पूरे बचपन के गेम थे उनको थोड़ा थोड़ा खेलेंगे एंड मजे वाले काम उनमें होने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इस वाले एपिसोड में तीन गेम खेलने वाला हूँ। वाइस सिटी एक और है एंड अमेजिंग लेवल के गेम्स है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल देखो, अगर इन गेम्स में से कुछ अच्छे मिशन लगे फ्यूचर में तो किसी और पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो सेम गेम अगले पार्ट में कंटिन्यू नहीं होगा। अगर मान लो मैं वाइस सिटी खेल रहा हूँ तो नेक्स्ट पार्ट में वाइस सिटी नहीं आने वाला। ये मेमोरीज वाले गेम है जो 2010 से पहले गेम्स थे जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो थोड़े थोड़े भाई उन्हीं गेम्स को खेलेंगे, मजा आने वाला है। अपना भाई गेम पहला आ चुका है, आप लोगों को ये गेम याद है, अमेजिंग लेवल का गेम है। फिलहाल चलिए इसको शुरू करता हूँ। वैसे शुरू मैंने कर लिया है, आप लोगों को इसका नाम पता होगा, इसका नाम बहुत अजीब है, हर किसी बंदे को पहले इसका नाम नहीं मालूम था, मुझे भी पहले इस गेम का नाम मालूम ही नहीं था भाई, कैडिलैक्स एंड डायनासोर्स। इस गेम का नाम कोई नहीं जानता इस टाइप का, और ये बहुत फेमस गेम था अपने जमाने का, और लो मैं हार गया, गेम मैंने पहले शुरू करके रखा था। ओके ठीक है भाई, फाइनली गेम चल चुका है। इसका नाम किस नाम से फेमस होता, मुस्तफ़ा नाम से गेम चलता था। एंड आपको पता होगा भाई, अगर आप लोग पुराने बंदे हो, ज़्यादा नए नहीं हो, तो ये गेम ज़रूर खेला हो कहीं ना कहीं आस पड़ोस में, गेम की दुकान में सिक्का ले करके, अलग ही स्वैग थे इस गेम के। तो ये भाई अमेजिंग सीरीज होने वाली है चाइल्डहुड मेमोरीज की, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हम लोग गेम्स खेलेंगे जो बचपन में कभी खेले थे आपने या नहीं खेले थे, जो भी है आपने अगर खेले होंगे तो आपको देखने में बड़ा मजा आने वाला, क्योंकि आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। नहीं खेले तो आप देखेंगे भाई पुराने ज़माने में कैसे कैसे गेम्स चलते थे, अमेजिंग लेवल से ये लैब बेट है। तो फिलहाल भाई ये बहुत अच्छा गेम है, मैंने काफ़ी खेला इसको, एंड इसी के साथ में टेकन बहुत चल रहा था, ये एंड टेकन 3 बहुत फेमस गेम्स थे उस टाइम पे सिक्के वाले में, ये लैब बेट है। आप देख रहे हो पहले ऐसे गेम्स आते थे, आज GTA 5 GTA 6 गेम कितने तरक्की पे है, मानेगा नहीं हम उनके सरदार। तो ठीक है भाई, और हम देखो ये चाइल्डहुड मेमोरीज वाली सीरीज रेगुलर नहीं रहेगी, मतलब जब भी कभी आएगी तो अच्छी आएगी, अच्छे गेम्स उसमें आने वाले हैं, बट मतलब के बीच बीच में आती रहेगी, रेगुलर नहीं आएगी। अरे भाई साहब, अबे हाथी भाई, ये बहुत परेशान करते हैं, ऊपर कूद जाते हैं भाई, इसको भी उठा के मारूंगा। आपको पता ही होगा इस गेम में 3-4 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं, बहुत मजा आता है। आप देख रहे हो ओह चलता था उस टाइम पर ही गेम, अबे सिला, अबे नहीं नहीं एक सेकंड दे दे हाथी बैठे, कैसी लगी मजा, चल 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 बहुत बढ़िया, हम लोग पिस्टल मारेंगे, चलो खजाना ले लेते थोड़ा सा जल्दी। अरे यार कैसी कूद गया, उठा लेता, बहुत बढ़िया। फिलहाल इस गेम का सेटअप करने मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि आज की डेट में गेम नहीं मिलता यार जल्दी से। इसको PC में लेके आया, इसको करा सारे काम किए, एंड उसके बाद फिर मैं इसको गेम पैड से खेल रहा हूँ, कीबोर्ड से चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ठीक है चलिए, अब आया मज़ा, ये ले, अरे यार लड़की ले ली बातों बातों में, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छी प्लेयर है, चल 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 जल्दी से। ओके बढ़िया, बहुत अच्छा गेम है, और इस गेम में मतलब कि आगे जाते रहोगे तो आप हर एक स्टेज में, पहले बताओ किस टाइप के गेम्स बनते थे, हर एक स्टेज में एक एनिमी आपको मारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। उस टाइप के गेम्स पहले बहुत ज़्यादा बनते थे, आजकल इस टाइप के गेम्स कम बनते हैं, मतलब कि हर लेवल में एक अलग एनिमी मिलेगा, अब ऐसे गेम नहीं आते, ये रहा इस लेवल का एनिमी, ये डायनासोर को मेरे पीछे छोड़ देगा, बहुत अमेजिंग लेवल। चलिए जल्दी से ये ले बैठे, ओके ठीक है, मानेगा नहीं नमूनों के सरदार। तो भैया अगर आपने ये गेम खेला होगा तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा था उस ज़माने में, और खेल के कैसा लगता था, बहुत मज़े आते थे। वो कहते हैं ना दिन चले जाते बट यादें नहीं जाती, यादें इंसान को याद रहती है। चलिए 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 ओके ठीक है, ये ले नमूने, यार अकेले में ना मारने में टाइम लगता है, जल्दी 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 ओके, सच्ची में मारने में अकेले में टाइम लगता है, अगर 2-3 हम एक साथ होते ना तो जल्दी काम आया था। ओके इसकी हेल्थ काफ़ी कम भी नहीं हुई है, ले बैठे ऊपर से ऊपर ही मार दिया। आप देख रहे हो एक्शन स्टाइल लड़ने का कितना अमेजिंग है उस टाइम पे, 1996 का गेम है भाई, 1996 जिस मतलब आधे लोग पैदा भी नहीं होते उसमें से, देखने वाले बंदे शायद से जो हमारे देख रहे हैं आधे लोग शायद पैदा भी ना उस टाइम पे, 1996 का गेम है शायद ये, पहले बैठे ओके ठीक है, पैसा उठा ले पैसा उठा ले, शायद उठा सकते हैं ना, एक सेकेंड, इससे नहीं उठा दिया, ओके ठीक है ये ले बैठे, मज़ेदार। तो ठीक है चलिए, एनिमी को मारने के बाद में हम एक और गेम खेलेंगे अमेजिंग लेवल से, इस वाले स्टेज को पार कर लेते हैं, पूरे का पूरा काम कर लेते हैं। ये भाई सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ये मोटे मोटे जो आते हैं ऊपर से कूद जाते हैं ना सूमो, अरे मेरी हेल्थ बहुत कम है, चिकन खिला दो कोई मेरे को, इसमें भाई चिकन मिलता है और उसको खाने से हेल्थ बढ़ जाती है, खाने का सामान बहुत आता है इस गेम में, जल्दी 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 ओके ठीक है। अरे नहीं पिस्टल से मार डाला, अमेजिंग लेवल। चलिए एक बार और कंटिन्यू कर खेल लेते हैं,
उसके बाद देखते हैं इसको मारते नहीं मारते। जल्दी 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 आ जा। ओके बढ़िया, अब आएगा मजा बेटे, है ना सेपंगा। एक सेकंड इधर आ जा, ये ले बेटे, आया मजा। एक और, अरे मिस हो गया भाई, अब की बार ले, और फिर से मिस हो गया, कोई बात नहीं जीत गए, मिस भी होगा कोई फायदा नहीं, मतलब कि जीत गए। बट देखो फिर भी अगर मान लो मैं पुराने जमाने के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा ना, तो 3 सिक्के बर्बाद हो गए मेरे, क्योंकि एक बार मरने पर 1 सिक्का खत्म। मैंने 3 बार इसको यूज किया, काफी टाइम हो गया खेले हुए, एंड ऊपर से मैंने फिर बोला अकेले खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, टीम के साथ खेलने में बहुत मजा आता है इस गेम को, 3-4 प्लेयर। अब देख रहे हो पूरा मैप है, घूम घूम के हमें अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा। ये पहला बंदा था इसको हमने खत्म किया, बताइएगा जरूर, मुस्तफा गेम के नाम से फेमस था, इसका नाम बहुत कम बंदे जानते हैं, मुस्तफा के नाम से चलता था पहले। चलिए अगले गेम पर आते हैं, अगले गेम पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये बड़ा ही अमेजिंग गेम है भाई, सच्ची में क्या है इसकी बात बोले, ये तो एक ऐसा गेम है जो मतलब शायद से कोई बंदा होगा जिसने ना खेला हो, जो गेम्स खेलता है इसकी सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। अगर मेमोरीज की बात करी जाए चाइल्डहुड, तो इस गेम की सबकी अपनी कहानी है, किसने इसको कैसे खेला, कैसे कैसे तरीके से घर में लेकर आया। मेरी खुद ही कहानी है, देखो पुराने जमाने में गेम्स लेना बहुत मुश्किल होता था, अब क्या है इंटरनेट सबके पास है, लगाया डाउनलोड करा चलाया, एक टाइम तो सीडी का जमाना था, नेट तो थी नहीं उस टाइम पे हर किसी के पास में, और एक्सेस नहीं हो पाते थे, बच्चे थे, मॉम डैड वगैरह कुछ देते नहीं, सीधी सी बात है, ये सबके साथ हो चुका होगा ज्यादातर, 70% बंदों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो पॉइंट क्या है भाई, जब उस जमाने में नेट तो था ही नहीं, तो मैं अपनी बताता हूँ मेरे को ये घर में कैसे आया, चाइल्डहुड मेमोरीज बताता हूँ आपको अपनी पूरी की पूरी वाइस सिटी के बारे में। एक सेकंड इसके FPS बढ़ा लेता हूँ थोड़े से मैं, इसके FPS आप लोगों को लिमिट हटा दोगे तो बढ़ जाते हैं, एक सेकंड, ओके लिमिट हटा दिया, अच्छा चलेगा थोड़ा, पहले से ज्यादा स्मूथ है, बट भाई माउस इतनी स्पीड से काम कर रहा है, ये लेफ्ट बैठे अमेजिंग, ये सही है। ऐसे तो बात कर रहा था मैं इस चीज की, बहुत दूर मेरे घर से ये मान के चलिए 5 या 6 किलोमीटर दूर, इससे भी ज्यादा ही होगा, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट काफी टाइम लगता था मेरे को वहां से जाने में। एक बहुत पुरानी साइबर कैफे थी, पहले साइबर कैफे बहुत फेमस हुआ करती थी, जब से इंटरनेट आए घर में कंप्यूटर्स हो गए तो साइबर कैफे वाला काम पिट गया बंद होगा, नहीं तो एक टाइम पर साइबर कैफे इतनी फेमस थी 20 रुपये घंटा 30 रुपये घंटा वगैरह वगैरह चले जाया करते थे। तो मैं गया वहाँ पर, तो भाई वाइस सिटी मैं देखते था वहाँ पर खेलता था, तो भाई देखो ऐसे काम थे उस टाइम, तो बच्चे वाली बात थी, तो मैं क्या काम किया वहाँ पर ना, कॉपी करना अलाउड नहीं था, तो मैं गया तो मैंने वहाँ से भाई गेम कॉपी किया, तो उसने क्या काम किया, नमूने ने मेरे को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में क्या हुआ, मेरे को 40 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े फाइन के, ऊपर से गेम भी नहीं मिला, टाइम बर्बाद, जो खेलने था वो भी नहीं खेला गया, एक्स्ट्रा पैसे और देने पड़े, मूड बहुत ख़राब हुआ। फिर मैं अगली साइबर कैफे में गया, वहाँ पे जाके बंदे से बात करी, फिर उसने मेरे को वाइस सिटी कॉपी बना के दी। पहले क्या होता था, सीडी कॉपी बहुत गुजारते बंदे, मतलब कि जो आपके पास सीडी होती है, आपकी सीडी खत्म ही हो गई, अब तो पेन ड्राइव जैसे चलिए, सीडी कोई पूछता नहीं, उस टाइम पे सीडी एंड डीवीडी बहुत फेमस हुआ करती थी। तो क्या हुआ, उस बंदे को मैंने पैसे खिलाए एक्स्ट्रा, 50-100 रुपये शायद से दिए होंगे, एक्स्ट्रा ध्यान दिए मेरे को, उसके बाद में उस बंदे ने जो उसके पास गेम पड़ा हुआ था उसको कॉपी मारा, सीडी बर्न करके मेरे को दी, बर्न करते बोलते थे उसको टाइम पे, जब सीडियाँ बनाते उसको बर्न करना बोलते, तो उसने मेरे को सीडी बनाई और दी, मैं घर पे लेकर गया, घर पे जैसे ही मैंने गेम पर डबल क्लिक किया, एरर, मेरा मूड फिर से ख़राब, गेम चला ही नहीं, ये कर क्या रहा है भाई, मैं 1 घंटे से ये देख रहा हूँ, मैंने इसको चलाना बंद कर दिया, कौन से टाइप का ग्लिच है यार, अमेजिंग लेवल, अबे क्या हो गया तेरे को मेरे भाई टॉमी, टॉमी के लक्षण खराब हो गए, मतलब कि कुछ तो खराब है टॉमी का, ये टॉमी भैया पागल हो गए। खैर कहानी कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद में एरर आ गया, सर में दर्द हो गया, पता चलता कि मेरा कंप्यूटर रैम कम है, अरे कहाँ से रैम बढ़ाऊँ, उसके बाद में फिर बड़ा सेटअप किया, ये किया वो किया, फिर रैम उसकी बढ़वाई, उसके बाद फिर गेम चला, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सिर्फ वाइस सिटी चलाने के लिए। तो बचपन ऐसा होता है, आप समझ रहे हो, हर चीज़ नहीं मिलती बचपन में, जब आप बड़े हो जाते हो तो उसके बाद पेरेंट्स भी ज़्यादा मना नहीं करते, तो चीज़ें फिर मिल जाती है। तो चाइल्डहुड मेमोरी मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई थी वाइस सिटी को लेकर के, बाकी आपके साथ कुछ हुआ हो ऐसे ही अमेजिंग वाला काम तो मुझे ही बताइएगा जरूर, क्योंकि ये सीरीज़ उसी टाइप की है जिसमें आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, आप भी बता सकते हो कि इसमें देखते क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी गेम्स और भी खेलूंगा जो मैंने खेल के रखे वगैरह वगैरह। चलिए वाइस सिटी थोड़ा मज़ा लेते हैं, एंड मैं स्कूटर ही क्यों चला रहा हूँ लेते ही, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्कूटर बहुत चलाता था वाइस सिटी में। मिशन देखो पहले मेरे को करने का शौक नहीं था, जब पहली बार मैंने वाइस सिटी खेला तो मैं सिर्फ पूरा दिन स्कूटर दौड़ाता था, यहाँ पे वहाँ पे गाड़ियाँ ले ली, यहाँ से कूद गए वो कर दिया, पहले मैं यही काम करता था। फिर उसके बाद जब मैं बोर होने लग गया तो फिर मैंने मिशंस करने शुरू करे, मिशंस मैं बहुत टाइम बाद करने मैंने शुरू करे, मैंने कम से कम 7-8 महीने सिर्फ गाड़ियाँ ही चलाई है रोडों पर अमेजिंग तरीके से। पीछे ना भाई देखो बचपन में इस चीज़ को नोट नहीं किया, बट मैंने इसको एकदम से यहाँ पर नोट किया, यहाँ पर गेम में टेक्स्चर ग्लिच है, अगर आप इस चीज़ को ठीक से देखोगे ना
देखो यहाँ पर टेक्सचर ग्लिच है, ये देखो यहाँ पर यूवी मैपिंग ठीक से नहीं होकर रखी। यहाँ पर ये देख रहे हो रोड की लाइनें मुड़ रही है, मतलब कि घूम के अलग जा रही है एंड बीच में एक लाइन आगे रखी है। अगर इसे फर्स्ट पर्सन होता तो मैं आपको दिखाता, यहाँ पर टेक्सचर कट रहा है। बात करते करते मैंने इस चीज़ को नोट कर लिया, पुराना गेम है कोई पहले इतना ध्यान कौन देता था। अब तो खैर कमियां निकालने वाली बात नहीं है, बचपन है, कमी नहीं निकालते। उस टाइम पे ऐसा गेम बनाया था रॉकस्टार ने भाई के, मतलब बात ही खत्म कर दी सही बंदों की, अमेजिंग लेवल। चलो ठीक है निकलते हैं यहाँ से। अरे अच्छा ये क्या करा दिया, एक्सीडेंट हो गया। अरे पुलिस इंस्टेंट भाई साहब, मेरी स्कूटी पीछे नहीं चल रही और आगे मैं जा नहीं पा रहा। अरे मेरे लाल, अरे सुन तो सही, अरे मारेगा नहीं तो ये ले भाई सीधा हाल ना चाल एनकाउंटर। इसी को तो कहते हैं वाइस सिटी भाई, बताया जा रहा है जीटी से वाइस सिटी की लोकेशन पर आ रहा है, मतलब यही मैप रहेगा, देखना होने वाली बात है फिर कैसा होगा। अरे अटक गया मेरे भाई, ये ले बैठे तो चलिए वो भी अच्छा होगा। अगर GTA Vice City की लोकेशन पर ही GTA 6 बनेगा तो अलग बनाएंगे, बट अच्छी जगह है, बुरी जगह नहीं है। मान लो सैन एंड्रियास वाली जगह पर कुछ जगह सैन एंड्रियास की सेम है जो GTA 5 की है, अमेजिंग है, तो देखने वाली बात है। तो ये थी भाई एक अमेजिंग गेम की बातें Vice City, और इसकी तो खैर किससे ख़त्म नहीं होंगे। जिसने गेम्स खेले हैं सब ने इसको ज़रूर खेला होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फ़ोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और दबा के खेला होगा, गेम ही ऐसा है। अगला गेम भाई खेलने वाला हूँ मैं, ये गेम है एलन वेक। इस गेम के बारे में शायद से आपने ना सुना हो, या सुना हो तो भाई बहुत अमेजिंग गेम है अपने टाइम का। ये क्या ही बात है इस गेम की, इसमें एक तरीके से कुछ अलग ही चीज़ होती है, उसको ज़ोंबी भी नहीं बोल सकते, कुछ और भी नहीं बोल सकते, मतलब अलग ही लेवल है। इसका दूसरा पार्ट भी रिसेंटली आया, कुछ ही महीने पहले आया। अगर आप कहोगे तो मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा, इस सीरीज में नहीं क्योंकि वो चाइल्डहुड मेमोरी में नहीं आ पाएगा, वो अगली मेमोरी में जाएगा, करंट मेमोरी में, मतलब कि नॉर्मल गेम प्ले वीडियो उसकी बन सकती है अगर आप बोलोगे तो। फिलहाल इसको देखिए, अगर पसंद आए तो मेरे को बताइएगा जरूर। एंड फिलहाल भाई यही नहीं, इजी करेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। नाइट मेयर करोगे तो इतने ज़ॉम्बी आएंगे, इतनी हार्ड हो जाएगी लेवल, बहुत टाइम लगेगा। तो ठीक है चलिए स्किप करते हैं, मैं इसको बताता हूँ आपको थोड़ा बारे में। वैसे आपने खेला ही होगा, ये हमारा बंदा, ये थोड़ा हॉरर टाइप का गेम भी है भाई, जंप स्केयर बहुत आते हैं इस गेम में, एंड इसका लेवल अलग ही लेवल। देखो ये लाइट जो है ना, बस ये समझ लो आप लाइट में ही सेफ हो, अगर आप लाइट से बाहर जाओगे तो नेता बनना पक्का है बिना इलेक्शन के, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी चलते हैं, देखो अभी हमारा प्यार लाल थोड़ा सा अभी हमें दिखा रहा है, चीज़ें सिखाएगा। फिलहाल भाई इस वाली सीरीज में ये भी नहीं है कि मतलब के सारे के सारे मैं अमेजिंग गेम ही खेलूंगा, चाइल्ड मेमोरी के गेम खेलेंगे, बट कुछ कुछ फनी गेम्स भी खेलूंगा, मतलब कि जो बकवास गेम बने थे ना वो भी खेलेंगे, ताकि थोड़ा सा मजे ले सके कि भाई देखो इतने घटिया गेम भी आते थे टाइम पे, एंड अच्छे गेम भी, मतलब कि फनी वाले भी, फनी वीडियोस भी बनाऊंगा मैं, एंड सारी चीज़ें। फिलहाल आप देखिए बहुत मजा आने वाला है। और एक गेम मैं और मैंने सोच के रखा है, देखो बाकी और बहुत गेम्स हैं, 2010 से पहले पहले इतने गेम्स आके रखे हैं, शायद से आपको आदों का नाम भी ना बताओ, मैंने बहुत गेम खेल के रखे हुए हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे सभी की वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, सभी गेम्स मेरे को इकट्ठा करने पड़े एक साथ, तभी मैं उसको आपको दिखा पाऊंगा। कोशिश यही करूँगा कि एक वीडियो में कम से कम दो गेम्स तो हम देखें, बाकी बताइएगा आप लोग सारी चीज़ें अपनी। ओके ठीक है आगे निकलते हैं, मैं थोड़ा बात बात में आगे आ गया। चलिए मेरे प्यारे भाई जल्दी से निकलो, हमें लाइट हाउस पर जाना है, एंड अभी देखेगा इस गेम में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मज़ा आ जाएगा देख करके, 2010 का गेम है, बट भाई ये गेम एक नंबर है, मतलब कि इसकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है, 2010 के हिसाब से बहुत अच्छा गेम बना के रखा हुआ है। आगे चलो मेरे भाई आगे चलो 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 चलो। ओके देखो वो बंदा दिखाई दिया, बस यही तो अलग लेवल है इस चीज़ में, ये भूत है कुछ अलग लेवल के। ओके देखो एक मेरे पास आ गया, निकल बेटा जल्दी जल्दी, रात मतलब लाइट में रहूँगा तो सेफ रहूँगा, लाइट से अलग जाऊँगा तो नेता बनेगा, बस जल्दी जल्दी निकल जल्दी निकल, मेरे को लाइट की तरफ जाना है नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि भूत पीछे पड़ गया। एंड जल्दी भाग नमूने, आगे 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 लाइट हाउस पर पहुँच रहा हमें, एंड इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी चल 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 चल। ओके एक और आ गया, अरे यार ठीक है देखो गेम प्ले में मतलब के थोड़ा खेलेंगे, आप लोग देखिए इसको जल्दी। ओके आ जा बेटा बैठो, चल जल्दी, इससे बस बचना है मेरे को थोड़ा सा और कुछ नहीं करना। ओके जब मतलब के मारेगा तो मेरे को बचना है इसके अटैक से, ये खुद ही चला जाएगा थोड़ी देर में, मेरे को थोड़ा याद है इसका, थोड़ा सा ज़्यादा पक्का याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है यार, आज की बात नहीं है। चल ओके बढ़िया गया, सही है तो ठीक है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा भी याद नहीं है, पुरानी बात है ना। आगे निकलते चलो मेरे लाल। अब देखो यहाँ पे मैं गेम की इंस्ट्रक्शन बताई जाएगी, बात आएगी चलो किसकी होगी ये नहीं, आगे जल्दी मेरे लाल, जल्दी भाग और स्पीड में जल्दी बन जाएगा नेता, भाग बेटे जल्दी। ओके बढ़िया, एक तो इतना मर के भाग रहा है यार, अबे क्या हो गया तुझे,
हाथ तक क्यों नहीं है? चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी, मरा बेटे मरा 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 आज तो मरा, जल्दी जल्दी। आपने नोट किया इस तरफ आता है कैरेक्टर, मतलब इस तरफ देख रखा है, आगे निकल आगे निकल, जल्दी पहुंच गया भाई, ब्रिज गया हमें। अंदर चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल, शैतान पीछे पड़ा है। अरे भाई ये सीन देख के इविल डेड याद आया, तो ना इविल डेड में कोई साउंड बढ़ती थी एकदम। अरे भाई साहब शांति बनाए रखे, मरेगा चाचा बस। गेम लग रहा है ना इंटरेस्टिंग, स्टार्टिंग से इतना अमेजिंग गेम है कि मतलब बंदे को हिलने नहीं देता, देखने में मजबूर करता है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ओके देयर वाज नो वे आउट, रास्ता ढूंढना है मेरे को, बट हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी ये घर तोड़ता रहेगा बार बार और घर टूट ही जाएगा, ये गेम की मतलब के डिमांड है। जल्दी जल्दी जल्दी, ही विल डेड है भाई ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा इतना शोर मचा के रखा है, टूट गया, घर टूट चुका है पूरा का पूरा। अब देखना है कि मेरा एलन भाई बचेगा नहीं बचेगा। ओके ये पूरा टूट जाएगा, मैंने आपको पहले बोला हमें रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ से जाने का। आगे 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 एंड भाग, नहीं नहीं अभी भी नहीं खुला। ओके बंद कर देता, ये मिली रोशनी। एलन भाई निकलो निकलो निकलो, चलो 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 चलो, शांति हो गई है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिंदगी खराब कर दी एलन भैया की, जल्दी एलन भाई इधर से नहीं जा सकते, इधर से नहीं जा सकते, चलो 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 चलो, सेफ हेवन, ये सेफ जगह है भाई। मैंने फिर बोला लाइट में रहोगे तो सेफ रहोगे, हेल्थी बढ़ेगी, सारे काम हो जाएंगे। आगे आगे आगे, मैंने बोला था लाइट आएगी, आवाज आएगी, अब ये हमें सारी चीज सिखाएगी लाइट। Where waves are both wilder and more serene. सुन लीजिए, अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो. To its ports I beam. Do you understand? No. Follow my light. इसको कहते हैं अमेजिंग। ये भाई गोल्ड की आवाज है क्या? I entered your dream to teach you. आइए बेटा, आगे चलो 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 चलो। तो लाइट में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। इस तरफ आता है कैरेक्टर बट ये उल्टी तरफ आ रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है। चल 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 चल, वो खैर GTA 5 खेलते खेलते आदत हो गई है ना। नमूनों के सरदार, मेरा तो नेता बना दूंगा मैं। लाइट से तो बहुत फर्क पड़ेगा, अब गोली मारो यार बंदा काम खत्म। अमेजिंग, बट देखो मेरे को गोलियां बहुत लिमिट वाली मिलने वाली है। ठीक है तो पॉइंट करी के बाद में जो आपको बता रहा था वो बात बताता हूँ। इस टाइप के गेम में आपको बताइए भाई, मतलब कि गोलियां बड़ी लिमिटेड होती है, ढूंढनी पड़ती है हर जगह। चल चल, वो रहा भाई लाइट हाउस फाइनली आ चुका है, बस यहीं तक खेलेंगे, उसके बाद में हमारा ये गेम भी पूरा हो जाएगा लगभग। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैंने फिर बोला गेम प्ले वीडियोज नहीं है, बट अगर आपको इन गेम्स में से कोई गेम ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है और आप सोच मतलब कि चाहते हो कंटिन्यू करूँ मैं, तो फिर मेन गेम प्ले में मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, ना कि चाइल्डहुड मेमोरीज में। आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं बता दीजिए मुझे, मैं कर लूँगा उसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो इन्हीं गेम्स में से कोई मिशन पसंद है, मान लो वाइस सिटी में बहुत सारे मिशन ऐसे होते थे हेलीकॉप्टर वाला मिशन, तो मैं बीच बीच में चाइल्डहुड मेमोरी में उनको लाता रहूँगा, वैसे रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ उनके मेन मिशन में रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई एलन, आगे निकलते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बातें हो चुकी है, मैंने आपको बताया सिर्फ फर्स्ट ही एपिसोड है, आप देखते हैं इसमें काफ़ी काफ़ी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें सोची है सीरीज के बारे में, क्योंकि भाई मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में, पुरानी चीज़ें अमेजिंग होती है। ओके सर, ओल्ड इज गोल्ड। चल 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 चल, नए गेम्स तो हम डेली खेलते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मेरे भाई आगे निकल, आजा आगे निकल, क्योंकि गेम्स मेरे पास बहुत सारे यार, कभी ना कभी तो यूज़ करने का टाइम है, तो मैंने सोचा यूज़ कर लेता हूँ, बहुत गेम्स है मेरे पास में। आगे 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 आगे, चल 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 चल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे छोड़ो ना इनको, भागो ना, ये क्या कर लेंगे। चल 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 चल, जल्दी निकल 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 निकल, मैं ज़्यादातर ऐसे ही करता हूँ, ज़्यादातर शॉर्टकट में निकल लो ना, मारना ज़रूरी थोड़ी है। भाग भाग, इतने भागता नहीं यार, बड़ा थकाऊ बंदा है। चल 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 चल, अरे भाई इतने बंदे, अब तो मारना ही पड़ेगा। दया कुछ तो सोच ले, जल्दी नीचे 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 नीचे, बढ़िया शाबाश, बच गया बेटे। चल भाग 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 भाग, जल्दी भाग जल्दी भाग, भाई बड़ा थकाओ भाग रहा है बंदा। अरे तुझे जीना नहीं है क्या?
अगर चाहता है मरना तो मर जा मेरे भाई, क्यों मेहनत करवा रहा है हमसे? आगे आगे आगे, खैर भाई ये गेम की डिमांड है, बंदा ऐसे भागता है, कमजोर है थोड़ा। अरे भाई एक और भूत। एलन भाई जल्दी जल्दी निकल 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 निकल, बस फाइनल भाई पहुँचने वाले एंड उसके बाद में ये मिशन पूरा हो जाएगा, ये एक सपना एक तरीके का। आगे 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 भाग 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 भाग, अरे भाई थोड़ा तेज भाग ले, और इधर ले ले। गेम बताना भाई कॉमेंट्स करके कैसा लगा, बहुत अच्छा गेम है एलन वेक। दूसरा पार्ट इसका रिसेंट आया, मैंने फिर बताया आपको, कंटिन्यू करवाना है मतलब कुछ गेम प्ले देखना है तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं बहुत मूड में उसे खेलने का, बट मैंने अब तक उसको लिया नहीं है। अगर बोलोगे तो मेरे को खरीदना पड़ेगा, उसके बाद मैं खेलूँगा। देखना चाहते तो बताओ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो 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 चलो, जल्दी पहुँच गए फाइनली, पहुँच गए पहुँच जाए मेरे लाल, बच गया फाइनल, बच गए। कैसा लगा गेम? तो मैंने फिलहाल भाई तीन गेम खेले हैं इस वाले एपिसोड में। पहला वही कैडिलैक्स एंड डायनासोर, मतलब कि मुस्तफा, उसी नाम से वो फेमस था, आपको उसी नाम से शायद से याद होगा। दूसरा अपना सदाबहार वाइस सिटी एंड एलन वेक। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो से इतना ही, आप लोग ये वीडियो कैसे लगी? अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।